नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। राज्य ऊर्जा मंत्री एवं नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने बुल्ढाणा के लोनार में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से कटे हुए ग्राहकों को राहत देने वाली स्वर्गीय विलासराव देशमुख अभय योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि महावितरण के पास 3 करोड़ से अधिक बिजली ग्राहक है, जिनमें उच्च दबाव और कम दबाव वाले ग्राहक शामिल है। इन ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली के लिए महावितरण लगातार विभिन्न योजनाएं अमल में ला रही है। महावितरण अपने ग्राहकों को समय पड़ने पर किश्तों में बिजली बिल के भुगतान की सुविधा भी देता है, किंतु कुछ उपभोक्ता इन उपाय योजनाओं का ठीक से समर्थन नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप महावितरण को सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ऐसे ग्राहकों की बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से बंद करनी पड़ती है। ऐसे कनेक्शन को पीढ़ी कनेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। दिसंबर 2021 के अंत तक बिजली बिल बकाया के कारण स्थायी रूप से काटे गए ग्राहकों की संख्या 32 लाख से अधिक थी। इन ग्राहकों पर बकाया राशि का आंकड़ा 7,716 करोड़ तक पहुंच गया है। फ्रेंचाइजी एरिया सहित स्थायी रूप से बिजली आपूर्ति काटे जाने वाले ग्राहकों की ओर 9,354 करोड़ बकाया है। शहर के जैन समाज की महिलाओं के झंकार ग्रुप ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण किए जाने के उपलक्ष्य में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन धमाकेदार रहा। हौजी सहित विविध मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच यह समारोह शानदार ढंग से संपन्न हुआ। इस प्रकार बीते 24 वर्ष में 12 सदस्यों से लेकर 25 सदस्यों तक का सफर अत्यंत उत्साह एवं उमंग के साथ चलते हुए 25 वर्ष पूर्ण हुए। इस शानदार सफर की सफलता का आयोजन नैवेद्यम रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजन, गेम्स, हौजी और मधुर गीतों के बीच मौज मस्ती, दोस्ती, प्यार और अपनेपन की भावना के साथ उत्साहपूर्वक किया गया। संयोजक मोनिका धारीवाल एवं नीता लुनावत ने वरिष्ठ सदस्यों के सत्कार से कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी सदस्यों को रश्मि कुटेजा द्वारा टाइटल्स दिए गए। कार्यक्रम के सफलतार्थ झंकार ग्रुप की सभी महिला सदस्यों ने परिश्रम लिया। चंदन कुटेजा ने सुंदर तरीके से कार्यक्रम का संचालन किया। जिले में कोरोना की लहर अब ठंडी पड़ने लगी है। शहर में कोरोना की स्थिति को देखते हुए नागपुर महानगर पालिका के शिक्षणाधिकारी ने मंगलवार को एक परिपत्रक जारी कर नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को पूरी क्षमता और समय के साथ शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद अब मैदानी खेल व विविध स्कूली उपक्रमों को शुरू करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। मंगलवार को जिले में कोरोना के किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। 48 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। इसके साथ ही एक दिन में 3,223 सैंपलों की जांच में 37 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब शहर में केवल 289 एक्टिव केसेस ही शेष है। एक दिन में मिले 37 नए पॉजिटिव मरीजों में नागपुर शहर के 26 पॉजिटिव का समावेश है। कुल मामलों में से 7 मामले नागपुर ग्रामीण क्षेत्र से सामने आए हैं, जबकि 4 मरीज जिले के बाहर के निवासी है। मौतों का आंकड़ा 10,336 तक पहुँच गया है। नागपुर जिले में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह आंकड़ा 98.16% तक पहुंच गया है। मध्य रेल ने फरवरी 2022 में 6.51 मिलियन टन माल लदान किया, जो किसी भी फरवरी महीने के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ माल लदान का आंकड़ा है। फरवरी 2022 में मध्य रेल का माल लदान 6.51 मिलियन टन रहा, जबकि फरवरी 2021 में यह आंकड़ा 5.93 मिलियन टन था। अतः इस साल 9.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के दौरान मध्य रेल का माल लदान 68.56 मिलियन टन है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 55.08 मिलियन टन लदान हुआ था। अतः 24.5% की वृद्धि दर्ज करते हुए किसी भी अप्रैल फरवरी की अवधि के दौरान यह अब तक का सबसे अच्छा लदान है। पिछली बार सबसे अच्छा प्रदर्शन अप्रैल फरवरी 2018-19 के दौरान 57.6 मिलियन टन था। महाप्रबंधक अनिल कुमार लाउटी ने कहा कि यह सबसे अच्छा माल लदान मुख्य रूप से क्षेत्रीय और मंडल स्तरों पर मध्य रेल द्वारा गठित व्यापार विकास इकाइयों द्वारा अमल में लाई गई पहलों का नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य रेल माल लदान को बढ़ावा देने के लिए हर तरीका तलाश रहा है, क्योंकि रेल द्वारा माल ढुलाई ग्राहकों के लिए सबसे सुरक्षित, तेज और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध है। महाशिवरात्रि के अवसर पर जन जागरण सेवा समिति की ओर से मोक्षधाम घाट में भगवान शिवजी का पूजन, अभिषेक के बाद प्रसाद वितरण किया गया। शिवजी का पूजन प्रभाग 19 के पार्षद संजय कुमार बालपांडे, अनिल गुप्ता, नरेश शेखपेटवार, गोविंद जोशी, ईश्वर ठानेकर, आशीष नायक, कृष्णा प्रजापति, माधुरी बालपांडे, कुशालचंद नायक ने किया।
प्रसाद वितरण सौरभ कहार, हरीश कुंडले, नीरज पटेल, दिलीप भुरे, युवन आशीष नायक, बबनराव महाजन, अमूल दानव, दीक्षा नायक के हस्ते किया गया। मान्यवरों का आभार हरीश कुंडले ने माना। भाजपा पूर्व नागपुर एनजीओ आघाड़ी की घोषणा। पूर्व विधायक कृष्णा खोपड़े द्वारा भाजपा एनजीओ शहर अध्यक्ष नरेश जुमानी व भाजपा पूर्व नागपुर मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति में किया गया। अध्यक्ष पद पर अशोक जैन, महामंत्री वेद प्रकाश सोनी, मनोज बंड, आशीष गुलाटी, कोषाध्यक्ष रमाकांत सारडा, संपर्क प्रमुख दिनेश गोयल तथा उपाध्यक्ष मनोज पुरोहित है। किशोर पटेल, राजेश अग्रवाल, गुरमीत सिंह, देवा सतीबावने, अशोक चांडक, अशोक माहेश्वरी, मोहन जैन, मनीष भाटिया, घनश्याम तिवारी, सचिन भागवत भी विभिन्न पदों पर नियुक्त हुए हैं। मंत्री पद पर शशांक अग्रवाल, मुकेश सिंगल, संजय गोयल, देवेंद्र जायसवाल, आरती पोपली, दुर्गेश खरवड़े, विनीत कारिया, विजय हाड़ा, नवीन जिंदल की नियुक्ति हुई है। मनोज बिंड, रोशन वासनिक, अंतकला पीलेवाल, रवि वेद, मुकेश सूद, सोनू वर्मा, राहुल देशमुख, संजय जटाले, अजय बोरकर, ओम प्रकाश पांडे, दुर्गेश श्रीवास्तव कार्यकारिणी सदस्यों के पद पर चुने गए हैं। इस अवसर पर मंच संचालन भाजपा एनजीओ आघाड़ी शहर महामंत्री राजू वाघ, आभार संपर्क प्रमुख सूरज ठाकुर ने किया। जरीपटका स्थित दयानंद आर्य कन्या विद्यालय व जूनियर कॉलेज में 6 मार्च को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आर्य विद्या समिति की पूर्व सचिव दीपा लालवानी की स्मृति में होने वाले शिविर में अन्य रोगों के अलावा विशेष रूप से थैलेसीमिया का परीक्षण डॉक्टर विंकी रुगवानी करेंगे। सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टरों में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मूलचंदानी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत असरानी, डॉक्टर करण आसरानी, प्रसूति शास्त्री डॉक्टर लता कंधारी और डॉक्टर वैदेही पुंशी, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय तोलानी शामिल होंगे। प्राचार्य तेजिंदर वेणुगोपाल व समाजसेवी प्रदीप बालानी शिविर की अध्यक्षता करेंगे। कॉलेज में आयोजित बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। कार्यक्रम संयोजक राजेश लालवानी तथा अक्षय लालवानी ने नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। नगर की सुप्रसिद्ध सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था ज्येष्ठ मित्र मंडल के तत्वावधान में जरीपटका स्थित मातेश्वरी भवन में स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में टैलेंट 2022 कराओ के स्पेशल कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मंडल के अध्यक्ष अर्जुनदास आहूजा ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। इस कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन मंडल की महिला प्रमुख संगीता दलवानी ने किया व सभी सदस्य कलाकारों का परिचय करवाते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया व हर्षध्वनि से उनका सत्कार किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम के संचालन संदीप जोतवानी ने किया व टैलेंट 2022 का संचालन संदीप जोतवानी द्वारा उनके विशेष अंदाज में किया गया। सदस्य कलाकारों में सर्वश्री महेश लालवानी, भावना लालवानी, रजनी शर्मा, विमला मेघराजानी, नीतू केवलरामानी, परसराम चेलानी, मीना उत्तम चंदानी, वैजंती सचदेव, किशोर आहूजा, पुष्पेंद्र मेश्राम, सुरेश एस आहूजा, संतोष केसवानी, कंचन केसवानी, लक्ष्मी खिलनानी, एडवोकेट ओम प्रकाश हरवानी, चंदन वाधवानी, धर्मेंद्र आहूजा, अर्जुनदास आहूजा द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। याद किया दिल ने कहा हो तुम, महबूब मेरे महबूब, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, एक प्यार का नगमा है, तुमसे अच्छा कौन है, धरती कहे पुकार आदि गीत गाकर गायकों ने तमाम दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजस्थानी ब्रह्म समाज, विप्र फाउंडेशन और श्री परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ के संयुक्त तत्वावधान में स्मॉल फैक्ट्री एरिया वर्धमान नगर में नवनिर्मित राजस्थानी ब्रह्म समाज भवन में बाबा भोलेनाथ के भजन और 108 थाली की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक गिरीश व्यास, एडवोकेट अभिजीत वंजारी, रामकिशन ओझा, उमाकांत अग्निहोत्री, डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, आभा पांडे, अतुल कोटेचा, महेश भंग, विनोद चतुर्वेदी, संजय पालीवाल, रामनिवास पारिक, जेपी पारिक, सतीश पुरोहित, राधा वल्लभ पुरोहित, योगेश जोशी, संजय शर्मा, वसंत पालीवाल प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर भक्तों ने बाबा भोलेनाथ पर आधारित सुमधुर भजनों का आनंद लिया। इनकी प्रस्तुति महेंद्र कुमार तथा उनके साथियों ने दी। इस दौरान बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार अभिषेक पूजन किया गया। माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह की झांकी भव्य रूप में प्रस्तुत की गई। समूचे परिसर को फूल मालाओं और रंगोली से सजाया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शाम के समय संध्या आरती और महादेव के भजनों से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम का सफल संचालन सतीश शर्मा ने किया। अंत में सभी भक्तों में महाप्रसाद वितरित किया गया। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण
18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों का टीकाकरण शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। कनेक्ट जैन इंजीनियर्स परियोजना के अंतर्गत नागपुर स्थित जैन इंजीनियर्स द्वारा संचालित औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान की जानकारी एवं परिचय की योजना के तहत जैन इंजीनियर्स सोसाइटी नागपुर चैप्टर द्वारा जैन इलेक्ट्रिकल कंपनी स्मॉल फैक्ट्री एरिया लकड़गंज नागपुर में पहले औद्योगिक दौरे का सफल आयोजन किया गया। जेईएस नागपुर चैप्टर के सदस्यों ने कंपनी में निर्मित एग्जॉस्ट फैन के मैन्युफैक्चरिंग की पूर्ण जानकारी प्राप्त। कंपनी के प्रवर्तक इंजीनियर सीमांत जैन ने कंपनी के सभी क्रियाकलापों की पूर्ण जानकारी विस्तृत तरीके से दी। इंजीनियर आदेश जैन बरिया, इंजीनियर विशाल चानेकर, इंजीनियर श्रीकांत तूपकर, इंजीनियर सौरभ बंड, इंजीनियर अक्षय केलवतकर, इंजीनियर आदित्य सावलकर व अन्य सदस्य औद्योगिक भेंट में उपस्थित थे। अंत में इंजीनियर श्रीकांत तुपकर ने सभी का आभार माना। नागपुर स्थित जैन इंजीनियर्स द्वारा संचालित औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भेंट आयोजित कर उनकी जानकारी एवं परिचय तथा प्रसार का प्रचार नियोजन किया जा रहा है और इस समाज के इंजीनियर्स द्वारा इन पहलों का समर्थन किया जा रहा है। इस प्रकल्प से जुड़े हेतु जैन इंजीनियर्स सोसाइटी नागपुर चैप्टर के कनेक्ट जैन इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट संयोजक इंजीनियर सीमांत जैन तथा इंजीनियर सौरभ बंड से संपर्क करने का आह्वान किया जा रहा है। मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर रिद्धपुर स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केंद्र में मराठी संत परंपरा से साहित्य विस्तार विषय पर आयोजित व्याख्यान में बतौर मुख्य अतिथि भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के विमुक्त घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु समुदाय विकास एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भिकू रामजी इदाते ने कहा कि मराठी भाषी संतों ने सांस्कृतिक और धार्मिक जागरण कर मराठी साहित्य को देश और दुनिया में फैलाने का काम किया है। रिद्धपुर अमरावती स्थित श्रुति स्मृति भवन श्री गुरुकुल गोविंद आश्रमशाला वाजेश्वरी परिसर में मराठी भाषा गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभु प्रबोधन संस्था रिद्धपुर के सर चिटनीस पुरुषोत्तम नागपुरे तथा महानुभव आश्रम राजापेट अमरावती के परम पूज्य कविश्वर कुलाचार्य कारंजेकर बाबा मंचा सिंह थे। भिकुराम जी इदाते ने मराठी भाषा की परंपरा और समृद्ध संत साहित्य का संदर्भ देते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि मराठी भाषा का इतिहास दरअसल 15वीं शताब्दी से शुरू होता है। अन्य मान्यवरों ने भी मराठी भाषा और उसके प्रचार प्रसार पर अपने विचार व्यक्त किए। भारत रत्न एवं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर टेलीफोन चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर डॉक्टर नीरज खरे और अन्य उपस्थित पदाधिकारियों ने फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर खरे ने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति और सामान्य जनता के एक महान प्रतिनिधि थे, इसीलिए वे सबके प्यारे थे। वे सरल जीवन और ऊंचे विचार के जीते जागते उदाहरण थे। उन्हें 1962 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वे कुशल प्रहरी, गरीबों के साथी, किसानों के भाई तथा नर नारियों के नेता थे और इन गुणों के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। लोग उनके आदर्शों से आने वाले कई युगों तक प्रेरणा लेते रहेंगे। उनकी रचनाएं तथा आत्मकथा आज भी उनकी याद दिलाती है। निसंदेह वे एक महान एवं तेजस्वी पुरुष थे। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर नीरज खरे, दिनेश श्रीवास्तव, उज्ज्वल गौरक्षा संस्था के अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, संजय सिन्हा, प्रमिला श्रीवास्तव, कविता श्रीवास्तव, अनिता श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव, मनोज शंकरलाल श्रीवास्तव, संदीप पांडे तथा अन्य मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। कोरोना काल से कुछ राहत मिलने के बाद महाशिवरात्रि पर्व पर बड़े उत्साह से ब्रह्म मुहूर्त में शिवजी का सामूहिक रुद्राभिषेक बड़ी धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर प्रमुख यजमान डॉक्टर प्रवीण डबली ने शिवजी का रौद्राभिषेक किया।
इस अवसर पर पंडित कृष्ण मुरली पांडे, प्रेमलाल यादव उपस्थित थे। पंडित राजेश द्विवेदी ने हवन पूजन कराया। सुबह 7 बजे मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बड़ी संख्या में भक्तों ने शिव जी का दर्शन किया। विदेश के भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई। सिंगापुर स्थित एक निजी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी ऑनलाइन माध्यम से दर्शन कर भोले बाबा से प्रार्थना की। दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में नगर सेवक संदीप सहारे मित्र परिवार की ओर से 100 लीटर दूध का वितरण किया गया। इस अवसर पर महामेट्रो के प्रोजेक्ट इंचार्ज उदय रेड्डी सहित बड़ी संख्या में मान्यवर उपस्थित थे। आज भी महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में पी सत्यराव, प्रकाश गुंडूराव, शरद शर्मा, रमेश पटनायक, गणेश कोटुलवार, श्रीकांत रॉय, विलास खोड़े, जुगल किशोर शाहू सहित सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण प्रयासरत थे। धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं मानव सेवा के लिए अग्रणी संस्था सर्व मानव सेवा संघ ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गंगाबाई घाट में हर साल की तरह इस साल भी एक भव्य रोग निदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें सरकारी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल की ओर से दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दांतों की जाँच, सफाई, दाँत गिराना और दांतों में सीमेंट भरना आदि काम किए गए। उसी प्रकार राधा कृष्णा हॉस्पिटल एवं स्वर्गीय शांता देवी सूरजमल बोथरा परिवार की ओर से आंखों की जांच, चश्मे के नंबर का अलॉटमेंट और स्त्री रोग तज्ञ, बाल रोग तज्ञ एवं फिजिशियन द्वारा मरीजों को सेवाएं दी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्याध्यक्ष केतन सेठिया, महामंत्री गणेश रेड्डी, युवा शक्ति प्रमुख सागर बारट, चांदनी हसानी, अक्षय बेलसरे, विजय खंडे, मनोज पालीवाल, साजिद शेख, शेखर हर्ष, प्रीतम बेलसरे, बिजवे, आशा बोरकर, सुधीर गुप्ता, गायत्री सुखियानी, श्रद्धा पाठक, जगदीश बियानी, अतुल जैन, मंगला तिरपुड़े, मनसराम बालाघाटी, बावने बालापुरे, अभिषेक सेलोकर आदि कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किए। मनु कुमार श्रीवास्तव को महाराष्ट्र शासन के मुख्य सचिव मनोनीत किए जाने पर कला मंच ने उनका अभिनंदन किया। कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा ने बताया कि नागपुर में 7 वर्षों के कार्यकाल में मनु कुमार ने उल्लेखनीय काम किए। जिलाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त और नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति रहते हुए किए गए उनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। विभिन्न विभागों को एक छत के नीचे लाते हुए प्रशासकीय इमारत का निर्माण करवाया। सेतु सुविधा केंद्र से नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। शहर में विभिन्न जोन भी उनके मार्गदर्शन में बनाए गए। विशेष रूप से उन्होंने दहन घाटों का नवीनीकरण भी करवाया, जिसकी सभी ने सराहना की। कोराडी मंदिर के नवीनीकरण के लिए गजल सम्राट जगजीत सिंह का कार्यक्रम आयोजित कर निधि जुटाई। शानदार लता मंगेशकर उद्यान, आर्ट गैलरी और आकर्षक फुटाला तालाब भी उनकी कल्पनाओं और कार्यों की वजह से साकार हुए। अजनी चौक पर लगी सबसे बड़ी घड़ी भी उनके कार्यकाल में लगाई गई और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान में विजयंद तोप का लोकार्पण भी उनके कार्यकाल में किया गया। राष्ट्रीय पुस्तक मेला व विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए। वे स्वयं भी एक अच्छे गायक है और उनकी धर्मपत्नी एक प्रतिष्ठित फोटोग्राफर है। आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा महाशिवरात्रि पर ओंकार नगर चौक स्थित शिव मंदिर में महापूजा का आयोजन किया गया। संस्था ने सभी भक्तों में फलाहार का वितरण किया। मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। बोले बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन करने के साथ ही उनका जलाभिषेक किया। शिव मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही थी। किसी ने बेलपत्र चढ़ाकर तो किसी ने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग की पूजा की। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखने और शिव जी की आराधना करने से सभी संकटों का निवारण होता है। आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन ओंकार नगर शिव मंदिर में पूजा और फलाहार वितरण किया जाता है। इस वर्ष फलाहार वितरण के लिए जितेंद्र शर्मा ने विशेष सहयोग किया। संस्था की सदस्य अनघा मेश्राम ने प्रसाद बनाने में सहयोग किया। फलाहार वितरण के समय विधायक विकास कुंभारे ने मंदिर में भेंट दी। शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद विकास कुंभारे ने आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था के संस्थापक तथा सचिव ज्योति द्विवेदी एवं संस्था के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। वाड़ी वड़धामना ट्रांसपोर्ट सेक्टर वड़धामना में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद व शरबत का वितरण ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रामदिया शर्मा, राकेश अग्रवाल, सुनील शर्मा, स्वामी प्रसाद सूत, मनोज सिंह, पवन वर्मा, हेमंत गुप्ता, सीताराम, सुनील शर्मा, सुमेर वर्मा, नवीन शर्मा, सुरजीत जाखल, ईजजी, राजीव तिवारी,
रमन रहांगडाले आदि ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की उपस्थिति में किया गया। श्री महादेव सेवा समिति वड़धामना में तकिया शिव मंदिर टेकड़ी पर लाखों भक्तों ने दर्शन लिया। सुबह से रात तक भव्य मेला लगा रहा। वाड़ी के पुलिस निरीक्षक ललिता तोड़ासे से अपने पुलिस कर्मियों के साथ उपस्थित रहकर व्यवस्था को नियंत्रित किया। विधायक समीर मेघे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के ट्रांसपोर्ट सेल के अध्यक्ष सुशील शर्मा, शिवसेना के नेता व विश्व हिंदू परिषद के कैलाश शर्मा, उत्तर भारतीय सभा के अध्यक्ष प्रवीण सिंह, महादेव सेवा समिति के सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, सतीश जिंदल, राम सिंह यादव, महेंद्र शर्मा, राम निवास अग्रवाल, शंभू शर्मा, स्वामी सूत आदि मान्यवरों की उपस्थिति में पूजा की गई एवं प्रसाद का वितरण किया गया। वाड़ी मोड़ स्थित सणनेश्वर शिव मंदिर में सुबह से शाम तक दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ नजर आई। इसके पश्चात महापूजा व हवन किया गया। परम पूज्य जय कीर्ति जी गुरुदेव ने कहा कि श्री राम का चरित्र आम आदमी सरलता से कथा द्वारा समझ सकता है। राम का आचरण पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल खाली जरूर गए, लेकिन अब फिर से धर्म की बरसात से समाज को सींचा जा रहा है। धर्म एवं धार्मिक मूल्यों की आवश्यकता सबसे बड़ी होती है, जिससे एक व्यक्ति स्वयं और उसका समाज भी स्वस्थ रहता है। संगम में विधान आचार्य पल्लवी दीदी एवं छोटू भैया की भी उपस्थिति थी। मुनि दीक्षा को 17 साल पूरे हुए, 9 चतुर्मास मुंबई शहर में हुए। इन्होंने पूरे भारत वर्ष में 35,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इसमें जैन रामायण द्वारा प्रभावशाली तरीके से विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार हुआ। अध्यक्ष राकेश पाटनी, महामंत्री नरेश कासलीवाल, सहमंत्री पंकज बोहरा, कोषाध्यक्ष प्रशांत पाटनी, सेनगण मंदिर के अध्यक्ष सतीश पिंडारी, अशोक लाड, पंडित उदय मोहल ने श्रीफल चढ़ाकर गुरुदेव से राम कथा सुनाने के लिए निवेदन किया। रामायण सुनने मात्र से भक्तों के कष्ट दूर होकर इष्ट सिद्धि होती है। विशिष्ट राम कथाकार, अनुष्ठान विशेषज्ञ ध्यान दिवाकर, मुनि श्री जय कीर्ति जा गुरुदेव की सुमधुर वाणी में जैन रामायण का आनंद 9 मार्च तक हर रोज सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक लिया जा सकता है। शिक्षण और सांस्कृतिक क्षेत्र सहित नागपुर शहर की सड़कों और उद्यानों को और विकसित किया जाना चाहिए। यह अवधारणा नागपुर महानगर पालिका द्वारा गीतांजलि चौक गांधी बाग में अत्याधुनिक अपटूडेट ई लाइब्रेरी बनाने की है। ई लाइब्रेरी का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस ई लाइब्रेरी की अवधारणा की कल्पना और कार्यान्वयन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित करने और भविष्य में इस पुस्तकालय के माध्यम से बुद्धिमान छात्रों को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। इस भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ई लाइब्रेरी की अवधारणा ब्रिटिश ई लाइब्रेरी पर आधारित है। पुस्तकालय भवन में 3 मंजिल है और इमारत पूरी तरह वातानुकूलित है। सीसीटीवी कैमरों से पूरे कैंपस पर नजर रखी जा रही है। भवन के भूतल पर पार्किंग, विशाल सभागार, दूसरी मंजिल पर अत्याधुनिक पुस्तकालय, वाचनालय, विकलांगों के लिए सुविधाजनक विभिन्न सॉफ्टवेयर पर आधारित कंप्यूटर, प्रिंटर, लॉकर, छात्रों के लिए अलग अलग कंप्यूटर कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरी मंजिल पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। भवन की छत पर सोलर पैनल लगे होंगे और पूरे भवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सोलर पैनल के माध्यम से उत्पन्न होगी। इस भवन के वास्तुकार प्रशांत सातपुते हैं। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।